हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का जो आगे का टॉपिक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, उसके बाद में रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है, ये करेंगे। इससे पहले रेजोनेंस इफेक्ट में जो वर्ड्स आएंगे दैट आर टोटली कोरिलेटेड टू द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, that are totally correlated with the stability of resonating structures। तो इसके पहले की जो दो videos हैं resonance effect के को करने से पहले आप उन्हें अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ठीक है, और अगर नहीं देखे हैं तो अभी देखिए और उसके बाद में ही इस टॉपिक को करना, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि टेक्निकली ये टॉपिक जो है उसका आप कह सकते हो एक एक्सटेंशन ही है। और सभी वीडियोस देखने के लिए जीओसी के और पूरे प्लस वन प्लस टू केमिस्ट्री टेंथ, इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है जैसा कि आप जानते हो, ठीक है, वीडियोस को लाइक करते चलिए, शेयर कर दीजिए। अगर कुछ आपकी और क्योरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व देम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। तो हमने देखा था रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस उन कंपाउंड में होता है जिसमें कॉन्जुगेशन होता है। कॉन्जुगेशन क्या है ये बताया गया है आपको, पाई बॉन्ड, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, दो पाई बॉन्ड निगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, या लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज, या पाई बॉन्ड ऑड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है, अल्टरनेट पोजिशन पर एक को छोड़कर एक, ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल में होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, उन्हीं मॉलिक्यूल के हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। और जिन मॉलिक्यूल के हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं उन्हीं में शो होगा रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, तो रेजोनेंस इफेक्ट का दूसरा नाम बेटा मेसोमेरिक इफेक्ट भी है, मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, जिस तरह से, क्योंकि मैंने आपको कहा रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट उन्हीं कंपाउंड में एग्जिस्ट करता है जो रेजोनेंस की फिनोमिना शो करते हैं। और रेजोनेंस की फिनोमिना कौन शो करते हैं, जिनमें कॉन्जुगेशन होता है। इज इट क्लियर, कंडीशन क्या है रेजोनेंस की, कॉन्जुगेशन होना जरूरी है। तो क्या कहा मैंने, इसीलिए इस इफेक्ट को हम लोग कॉन्जुगेट इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है, ये थर्ड नेम है इसका, कॉन्जुगेट इफेक्ट भी कहा जाता है। कॉन्जुगेट इफेक्ट का मतलब भी क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट ही होता है। देखिए रेजोनेंस इफेक्ट दो टाइप का होता है, प्लस आर इफेक्ट एंड माइनस आर इफेक्ट, ठीक है, जैसे हम करते आए भाई इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई माइनस आई, ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट प्लस ई माइनस ई, उसी तरह से रेजोनेंस इफेक्ट भी दो टाइप का, प्लस आर माइनस आर। अगर हमने इसे मेसोमेरिक इफेक्ट लिखा है तो मेसोमेरिक इफेक्ट हम लिखेंगे प्लस एम एंड माइनस एम, प्लस एम एंड माइनस एम इफेक्ट, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है बेटा। फिर मैं आपको बता दूं रेजोनेंस इफेक्ट बोले या मेसोमेरिक इफेक्ट बोले, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं रेजोनेंस इफेक्ट है क्या, मेसोमेरिक इफेक्ट है क्या। देखो अगर कोई कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है, किसी सिस्टम से कंपाउंड से फंक्शनल ग्रुप अटैच है, और वो फंक्शनल ग्रुप उस कंपाउंड को, उस सिस्टम को लोन पे इलेक्ट्रॉन या निगेटिव चार्ज डोनेट कर रहा है, लोन पे इलेक्ट्रॉन या आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, ठीक है, मतलब उस सिस्टम को, उस मॉलिक्यूल को वो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, तो इसका मतलब वो क्या एग्जिस्ट करेगा, वो क्या शो करेगा, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। क्या कहा मैंने, इफ पहले हम एक्सप्लेन कर रहे हैं प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम या इसे आप कह सकते हो प्लस आर इफेक्ट, ठीक है। पूरा नाम क्या है, पूरा नाम है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मेसोमेरिक इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, इफ फंक्शनल ग्रुप अटैच टू किसी मॉलिक्यूल से अटैच है वो फंक्शन ग्रुप, मॉलिक्यूल और यू कैन से सिस्टम, ठीक है, एंड इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू सिस्टम,
सिस्टम को, उस कॉन्जुगेट सिस्टम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। कहने का मतलब है, मान लीजिए ये आपका कंपाउंड है और इससे अटैच है आपका फंक्शनल ग्रुप ये, और ये फंक्शनल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन पेयर इस सिस्टम को, इस कंपाउंड को, मॉलिक्यूल को डोनेट कर रहा है। डोनेट करके रेजोनेंस इफेक्ट शो कर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना रहा है। तो डेफिनेट है ये ग्रुप क्या शो करेगा, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। प्लस एम का मतलब मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस इफेक्ट। अब बात ये आती है कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे। ये बात समझ में आई आपको, ये बड़ा बेसिक आइडिया मैंने बताया। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड से, मॉलिक्यूल से, सिस्टम से अटैच है और वो उसमें इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब क्या एग्जर्ट कर रहा है, वो प्लस एम इफेक्ट एग्जर्ट कर रहा है। अब हम प्लस एम इफेक्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है, कर रहे हैं। तो प्लस एम इफेक्ट कौन से फंक्शनल ग्रुप एग्जर्ट करते हैं ये देखिए। वो फंक्शनल ग्रुप जिसमें लोन पेयर कंटेनिंग एटम है, जहां से अटैच होता है ना, देखिए ये आपके पास सिस्टम है और ये फंक्शनल ग्रुप है। ये फंक्शनल ग्रुप जिस एटम के थ्रू इससे अटैच होता है उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, निगेटिव चार्ज होना चाहिए। अगर इस एटम के थ्रू अटैच है और इस एटम में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है या निगेटिव चार्ज है, तो डेफिनेट है वो इलेक्ट्रॉन पेयर सिस्टम को देगा और वो एग्जर्ट करेगा प्लस एम इफेक्ट। जैसे सुनिए, आपके पास OH इफेक्ट है, सॉरी OH फंक्शनल ग्रुप है, OR फंक्शनल ग्रुप है, जो ऑक्सीजन से शुरू होते हैं, नाइट्रोजन से शुरू होते हैं, सल्फर से शुरू होते हैं, उन सभी फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है, इस एटम पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। ओ माइनस है बेटा, ओ माइनस है, ओ माइनस में क्या है भाई, निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर, तो निगेटिव चार्ज है एटम पर या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये सभी फंक्शनल ग्रुप जो है वो सिस्टम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी शो करते हैं, इसलिए ये शो करते हैं प्लस, ये एग्जर्ट करते हैं प्लस एम इफेक्ट, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ओ सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर है, ये कहां से शुरू हो रहा है फंक्शन ग्रुप, ऑक्सीजन से शुरू हो रहा है, इज इट क्लियर। और देख लीजिए आपके पास, हम देखते हैं एन एच टू है, नाइट्रोजन से शुरू हो रहा है, एन एच आर है, प्राइमरी अमाइन है, ठीक है, ये भी किससे शुरू हो रहा है बेटा, एन एच आर किससे, नाइट्रोजन से शुरू हो रहा है, उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये आपके पास है क्या, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, सॉरी प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, ये सभी फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा, कहां से शुरू होते हैं, ये शुरू होते हैं ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, निगेटिवली चार्ज एटम से या लोन पे इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग एटम से, इसलिए ये सभी क्या करते हैं, ये सभी इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रुप को डोनेट, सॉरी कंपाउंड को डोनेट करते हैं। और देखिए आप एग्जाम्पल, एन एच सी डबल बॉन्ड ओ आर, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको, जैसे हमने ले लिया थायो एल्कोहल एस एच, ये सभी फंक्शनल ग्रुप के पास लोन पेयर कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन वाला एटम है या निगेटिवली चार्ज एटम है। ये देखिए, अब ये सिस्टम से मैं आपको बताई, सिस्टम से जब जुड़ेंगे तो हम एक्सप्लेन करते हैं किस तरह से ये सिस्टम या ग्रुप को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे और प्लस एम इफेक्ट आप किसे कह रहे हो। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास, सबसे सिंपल एग्जांपल देती हूँ, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच और इससे है ओ एच, ठीक है बेटा, ये आपके पास मॉलिक्यूल था और इससे अटैच हो गया ये आपका फंक्शनल ग्रुप, ये सी हो गया, ये जी हो गया। आप देखिए इस फंक्शनल ग्रुप में, देखो बेटा क्योंकि ये पाई बॉन्ड और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है तो डेफिनेट रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करेगा। अब इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन कैसे रहा है उस पर जरा फोकस कीजिएगा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट क्या होगी इलेक्ट्रॉनों की, व्हाट आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इट्स अ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड, ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट ही तो है। तो इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देखिए, इस अगर यहां तो जाएंगे नहीं, यहां जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ऑक्सीजन की ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है, अगर ये वाले लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ टूट के चले गए तो ऑक्सीजन तीन बॉन्ड बना लिए, दो लोन पेयर होगी तो उसकी ऑक्टेट क्या हो जाएगी बेटा, डिस्टर्ब हो जाएगी, ऐसा होगा नहीं।
ठीक है, ऑक्टेट डिस्टर्ब क्या हो जाएगी, ऑक्टेट ऑक्सीजन के एटम में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है, इज इट क्लियर। इसीलिए इलेक्ट्रॉन कहाँ डिस्प्लेस होंगे बेटा, यहां से लेकर यहां आएंगे। देखिए कर्ड एरो बड़े इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लोन पे इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई, ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए पाई बॉन्ड टूटकर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। तो जैसे कि आपको पहले भी बताया है मैंने कि रेजोनिंग स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा CH2, इस पर आगे दोनों इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन पॉजिटिव। तो अब नई बात क्या बता रही हूँ, आज नई बात ये बता रही हूँ, इस OH ने इस सिस्टम को इलेक्ट्रॉन पेयर दिए और रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स जो बने वो इस फंक्शनल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन पेयर इस सिस्टम को देने की वजह से बने, मतलब इस फंक्शनल ग्रुप ने इस मॉलिक्यूल में निगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस किया। ओके, निगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस किया तो इसने एग्जर्ट किया प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट वाले जितने भी फंक्शन ग्रुप हैं वो कंपाउंड में निगेटिव चार्ज देते हैं, अंडरस्टूड। चलिए और एग्जांपल हम लेंगे, देखो इनमें से कोई भी फंक्शनल ग्रुप आप उठा के देख लो जो मैंने आपको दिए हैं, वो सारे फंक्शनल ग्रुप कौन सा एग्जर्ट करेंगे इफेक्ट, बोलिए कौन सा एग्जर्ट करेंगे, सिर्फ प्लस एम इफेक्ट एग्जर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, मान लीजिए अब हम लेते हैं बेंजीन से अटैच फंक्शन ग्रुप, बेंजीन और बेंजीन से, यहां मैं दो फंक्शन ग्रुप डिस्कस करूंगी आपको, बेंजीन से अटैच NH2 और बेंजीन से अटैच है आपके पास NHC डबल बॉन्ड OCH3। ओके बेटा जरा ध्यान से देखिएगा, NH2 अटैच है बेंजीन से, भी NH2 कैसा ग्रुप है, फंक्शन ग्रुप जिसमें नाइट्रोजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये NH2 यहां से देखो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड की कॉन्जुगेशन में है तो रेजोनेंस इफेक्ट तो आएगा ही, लेकिन रेजोनेंट स्ट्रक्चर बन कैसे रहे, रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनाने के लिए फंक्शनल ग्रुप इलेक्ट्रॉन ले रहा है बेंजीन से या दे रहा है वो इम्पोर्टेंट है, मान लीजिए इंट्रोड्यूस कर रहा है दे रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट की डायरेक्शन ऐसे ही होगी, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं हो सकती, अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो नाइट्रोजन की वैलेंस सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये वाले लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और ये यहाँ पर आ जाएंगे। तो आपने देखा इसके पहले रेजोनेंट स्ट्रक्चर में NH2 ने इलेक्ट्रॉन दिए बेंजीन में और बेंजीन पर निगेटिव चार्ज आ गया, बेंजीन के रिंग में निगेटिव चार्ज आ गया, किस पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन पे। आगे रेजोनेंट स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो, बताइए आगे कैसे थे, अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएं तो डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा तो इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी 5, इसलिए पाई बॉन्ड टूटेगा और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, ठीक है। ये जो कर्ड एरोज हैं बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट शो करते हैं, ये आपके पास हो गया निगेटिव चार्ज, फिर NH2 से किस पोजिशन पर आ गया बेटा, बोलो NH2 के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे आया, पहले ऑर्थो पर फिर पैरा पर, ठीक है। अब क्या होगा, अब होगा ये वाले इलेक्ट्रॉन, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, अगर डबल बॉन्ड यहाँ बन जाए, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बगे, मान लीजिए आपके पास मैंने ऐसा स्ट्रक्चर कह दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो डबल बॉन्ड यहाँ बन गया और ये पहले वाला डबल बॉन्ड यहाँ पर है, तो पता क्या हो जाएगा, ये NH2+ पहले वाला अगर डबल बॉन्ड नहीं टूटा तो इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई ना, क्योंकि इस कार्बन ने 4 बॉन्ड ये बना लिए हाइड्रोजन के साथ बना रखा, ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए क्या होगा, इसलिए ये पाई बॉन्ड टूटेगा और इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे बताइए, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, इस वजह से हम दिखाएंगे यहाँ पर आ गया निगेटिव चार्ज। तो आपने क्या देखा, इस NH2 फंक्शनल ग्रुप ने बेंजीन के अंदर निगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस कर दिया, इसीलिए
इसने कौन सा इफेक्ट एग्जर्ट किया बेटा, प्लस एम इफेक्ट। ध्यान रखना इस बात को, वो फंक्शनल ग्रुप जो ओ से शुरू होते हैं, नाइट्रोजन से शुरू होते हैं, या फिर किससे शुरू होते हैं, सल्फर से शुरू होते हैं, या निगेटिवली चार्ज एटम से शुरू होते हैं, वो सारे फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड को या सिस्टम को इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते समय, डोनेट करते हैं, देते हैं प्लस, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्लस करते हैं, इसीलिए नाम क्या रखा गया है, प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, चलिए इस पे आ जाइए। देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर गए, डबल बॉन्ड यहां बनेगा, ये आपके पास फिर पाई बॉन्ड टूट जाएगा, ये यहां पर जाएगी, तो बाकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप बना लोगे। एक स्ट्रक्चर तो मैं बता दूं, ये आपके पास हो गया डबल बॉन्ड एन एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री। ओके बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, इसे बेंजीन में आ गया नेगेटिव चार्ज। उसके बाद फिर वही करेंगे हम लोग, ये निगेटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, ये निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन लोन पे यहां जाएंगे, तो पाई बॉन्ड यहां बन जाएगा, और इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, पैरा पोजिशन पर, फिर ऑर्थो पर पहुंच जाएंगे। इज इट क्लियर, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएंगे बहुत सारे। तो इस ग्रुप ने क्या किया भाई, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दिए, इसीलिए इसने कौन सा इफेक्ट एक्सर्ट किया बेटा, प्लस एम इफेक्ट। बेंजीन सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दे रहा है रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते समय, इसलिए कौन सा इफेक्ट दे रहा है, प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, चलो एक बात और देखो, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन ये उठेगा कि नाइट्रोजन का लोन पे यही पे डिलोकलाइज हुआ, इस साइड नहीं हो सकता था क्या? यहां से सुनना, ऐसा भी पॉसिबल है कि नाइट्रोजन का लोन पे इलेक्ट्रॉन इस साइड डिलोकलाइज हो जाए। अगर नाइट्रोजन का लोन पे इलेक्ट्रॉन, इसमें तो पॉसिबिलिटी नहीं थी, ये NH2 के लोन पे इलेक्ट्रॉन 100% बेंजीन रिंग में ही आए थे, बेंजीन रिंग में ही डिलोकलाइज होने थे, लेकिन इस फंक्शनल ग्रुप में 50-50% चांस होगी, हो सकता है नाइट्रोजन का लोन पे यहाँ यहाँ पर बेंजीन रिंग में डिलोकलाइज हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन पे इस साइड, इस फंक्शन ग्रुप में बाहर की साइड डिलोकलाइज हो जाए। यानी ये इसको ध्यान से देखिएगा बेटा, यानी ये पॉसिबिलिटी भी है कि लोन पे इलेक्ट्रॉन इस साइड चले जाए। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा एन एच डबल बॉन्ड, ठीक है, ये लोन पे इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, निगेटिव चार्ज यहाँ, सी ओ माइनस सी एस थ्री। ठीक है, और ये आपके पास आ गया निगेटिव, सॉरी ये इसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया, इस बार लोन पे इलेक्ट्रॉनों को वहां पर ब्लैक इसे मार्कर से जो मैंने शो किया है उस साइड हमने क्या किए भाई, लोन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए हैं। तो क्या समझ में आई आपको ये बात, यहां से ये बात क्लियर हो रही है कि इस नाइट्रोजन के पास भाई दो भाई हैं, एक यहां और एक यहां पर, मतलब ये लोन पे इलेक्ट्रॉन इसके पाई बॉन्ड की कॉन्जुगेशन में भी और इसके भी, दो भाई हैं ये और ये, भाई थोड़ी बहुत देर इसके साथ टाइम बिताता है, थोड़ी बहुत देर इसके साथ बिताता है, 50-50% चांस है, ये सोलो। तो यहां पर इस फंक्शन ग्रुप में 100% बात नहीं है कि ये वाले लोन पे इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन रिंग में ही जाएंगे, ये वाले लोन पे इलेक्ट्रॉन फंक्शन ग्रुप के अंदर भी डिलोकलाइज हो सकते हैं, लेकिन इस फंक्शन ग्रुप पे नहीं, कोई इसका दूसरा भाई है ही नहीं भाई, एक ही है, यही है, तो इसको इसी के साथ पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा, यानी ये लोन पे इलेक्ट्रॉन बेंजीन में ही डिलोकलाइज होंगे, बाहर के साइड जा नहीं सकते, कुछ है ही। तो यहां पर मैं एक चीज आपको सिखाना चाहती हूं कि अगर हमें स्ट्रेंथ मेजर करनी पड़े प्लस एम इफेक्ट की, प्लस एम इफेक्ट किसका ज्यादा है, NH2 का ज्यादा है या इसका ज्यादा है, बेटा अगर डिलोकलाइजेशन की चांसेस क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो गए, इस साइड भी डिलोकलाइज हो सकते हैं, इस साइड भी, दोनों साइड डिलोकलाइज हो सकते हैं लोन पे इलेक्ट्रॉन, तो बेंजीन में जाने की पॉसिबिलिटी तो 50% कम हो गई। इसका मतलब बेंजीन में जो प्लस एम इफेक्ट था उसकी क्या हो गई, उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई। इज इट क्लियर, तो आप कहोगे अगर मैं ये कहूं आपसे स्ट्रेंथ ऑफ प्लस एम इफेक्ट, दो फंक्शनल ग्रुप में हमें ये कंपेयर करना पड़े कि प्लस एम इफेक्ट कौन ज्यादा एग्जर्ट कर रहा है, तो ये देखना पड़ेगा कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या निगेटिव क्या कहते हैं अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स कौन इजीली डोनेट कर रहा है,
ज्यादा डोनेट कर रहा है, 100% डोनेट कर रहा है, इज इट क्लियर सिस्टम को? वो डेफिनेटली प्लस एम इफेक्ट क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग एग्जर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर NH2 का प्लस एम इफेक्ट जो है वो NHC डबल बॉन्ड OCH3 से ज्यादा है। समझ में आया? क्योंकि यहां नाइट्रोजन के लोन पेयर के पास दो पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर करने की, यहाँ या यहाँ पर, बट इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, 100% इस सिस्टम को ही देगा इलेक्ट्रॉन पेयर। इसी तरह से आपके पास मान लीजिए कंपैरिजन करना पड़ा OH OC डबल बॉन्ड OOR, ध्यान दीजिएगा, ओके? आपको क्या कह रही हूं मैं कि इस ऑक्सीजन के पास चांस है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहां पर भी जिस सिस्टम से अटैच है वहां पर भी डिलोकलाइज कर ले, या फिर इस पाई बॉन्ड के साथ भी डिलोकलाइज कर ले। मतलब इसमें डिलोकलाइजेशन की जो है ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ कर भी सकता है 50% चांस या वहां भी कर सकता है, मतलब पार्टिसिपेंट चांस एक साइड 50% हो गए। इसका मतलब इसका प्लस एम इफेक्ट क्या है, वीक है। लेकिन भाई OH के पास कोई ऑप्शन नहीं है बेटा, OH में ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन अटैच है, तो यहाँ तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो ही नहीं सकते। तो OH जो है वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ही तो डिलोकलाइज करेगा, जिससे अटैच है ग्रुप उसी को तो देगा जिस कंपाउंड से अटैच है। इसका मतलब इसमें ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके डिलोकलाइज पूरे सिस्टम की तरफ ही होंगे, यानी ये स्ट्रॉन्ग प्लस एम इफेक्ट एग्जर्ट करेगा और ये क्या करेगा, वीक प्लस एम इफेक्ट एग्जर्ट करेगा। समझ में आ रही बात? यानी जिस फंक्शनल ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, अगर उसके पास एक से ज्यादा डोनेशन की कैपेसिटी बढ़ गई, मतलब एक से ज्यादा डोनेशन साइट बढ़ गई, यहाँ भी कर सकता है यहाँ भी कर सकता है, तो वो वीक प्लस एम इफेक्ट एग्जर्ट करता है। इज इट क्लियर? इस तरह से हम बहुत सारे और भी ग्रुप में कंपेरिजन कर सकते हैं कि कौन सा प्लस एम इफेक्ट स्ट्रॉन्ग करेगा, कौन सा वीक करेगा। ओके, चलिए आगे चलते हम लोग माइनस एम इफेक्ट की तरफ। आई होप स्टूडेंट आपको प्लस एम इफेक्ट समझ में आया होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मेसोमेरिक इफेक्ट समझ में आया होगा। अगर ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो सिस्टम को कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहा है, यानी सिस्टम में कंपाउंड में माइनस चार्ज इंट्रोड्यूस कर रहा है, वो प्लस एम इफेक्ट एग्जर्ट कर रहा है। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट माइनस एम इफेक्ट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप और कौन सा इफेक्ट एग्जर्ट करेगा। जितने भी मैंने आपको दिए हैं सारे फंक्शनल ग्रुप को एक के बाद एक कंपाउंड से अटैच करके ट्राई कीजिए, ठीक है, कॉन्जुगेशन में, कि कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, ठीक है, और कौन सा इफेक्ट एग्जर्ट हो रहा है। अब माइनस एम इफेक्ट, इस जिस तरह से मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक में प्लस एम इफेक्ट की वो बताई कि ग्रुप को देख के कैसे पहचानेंगे प्लस एम शो करेगा, वैसे ही ग्रुप को देखकर ये भी पहचान सकते हैं कि माइनस एम शो करेगा। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप में हेट्रो एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, ध्यान से सुनना, हेट्रो एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, तो डेफिनेट वो माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। माइनस एम है क्या? अगर कोई फंक्शनल ग्रुप किसी सिस्टम से अटैच है, ये कंपाउंड है और ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो कहां से जाते हैं बेटा, इस सिस्टम से फंक्शनल ग्रुप के, आप देखो इलेक्ट्रॉनों का जो मूवमेंट है अपोजिट होगा, सिस्टम से कहां जाते हैं, सिस्टम से जाते हैं फंक्शनल ग्रुप के साइड। इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट की डायरेक्शन कंपाउंड से बाहर की साइड होगी, जिससे कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस होगा, इसे कहेंगे हम माइनस एम इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन पेयर आर टेकन बाय द फंक्शनल ग्रुप, विड्रॉ कर रहा है कंपाउंड से फंक्शनल ग्रुप, इसलिए इस इफेक्ट को हम कहते हैं माइनस एम इफेक्ट। कौन से फंक्शनल ग्रुप माइनस एम इफेक्ट एग्जर्ट करते हैं? वो फंक्शनल ग्रुप जिसको मैंने क्या कहा, हेट्रो एटम्स के बीच में पाई बॉन्ड है, पाई और आप कह सकते हो मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन हेट्रो एटम्स, ठीक है।
ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें है ये कंडीशन जिस फंक्शन ग्रुप में है वो सभी क्या करेंगे माइनस एम इफेक्ट एग्जर्ट करेंगे। देखिए कौन कौन से, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ध्यान से देखिएगा, सी डबल बॉन्ड ओ आर, ओके, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, सी डबल बॉन्ड ओ, आप कह सकते ओ आर, ठीक है। जितने भी फंक्शन ग्रुप हैं जिसमें ये आपको मैडम सब में सी डबल बॉन्ड ओ कंडीशन दो दो फिर नहीं कोई जरूरी नहीं, लेकिन दूसरा बोलती हूँ सी ट्रिपल बॉन्ड एंड नाइट्राइड फंक्शन ग्रुप, एनओ टू फंक्शन ग्रुप, एनओ टू का स्ट्रक्चर बना ले हम, ठीक है। इन सभी फंक्शन ग्रुप में हेट्रो एटम के बीच में क्या है, हेट्रो एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है दो अलग अलग एटम के बीच, ठीक है। हेट्रो एटम मतलब डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाले एटम्स, यहाँ पर देखिए कार्बन नाइट्रोजन के बीच, यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच, ठीक है। और कोई एग्जांपल है आपके पास, ये है कीटोन फंक्शन ग्रुप, कीटोन और रही होगी सी डबल बॉन्ड टू, और भी ले सकते हो आप जितने भी हैं, बट मेनली ये फंक्शन ग्रुप क्या एग्जर्ट करते हैं, ये फंक्शन ग्रुप एग्जर्ट करते हैं माइनस एम ए, ठीक है। एक मिनट नहीं, तो क्या कहा मैंने, जो फंक्शन ग्रुप किससे शुरू होते हैं बेटा, मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग, मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग बिटवीन हेट्रो एटम से शुरू होते हैं वो डेफिनेट है माइनस एम इफेक्ट एग्जर्ट करते हैं, ठीक है। चलिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग कुछ, आप कहोगे ये कैसे एग्जर्ट करते हैं, तो कुछ एग्जांपल ले आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए आपके पास हमने बेंजीन से अटैच कर दिया, दो एग्जांपल लेके समझा रही हूँ, बेंजीन से अटैच कर दिया सी डबल बॉन्ड ओ एच एल्डिहाइड, ध्यान से सुनना। अब क्योंकि कॉन्जुगेशन है इसमें, दो पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है तो रेजोनेंस इफेक्ट, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो बनेगी, बताइए बनेंगे कैसे, बनेंगे इस तरह से, पाई बॉन्ड अब ऐसे तो हो नहीं सकते, इस साइड आ जाए इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट, हमेशा किस साइड होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम की साइड जाएगा, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर, इज इट क्लियर। मूवमेंट इलेक्ट्रॉनों की कहां होगी, कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ, कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैविंग द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन गेट शिफ्टेड फ्रॉम पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन टू ऑक्सीजन, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। तो आपके पास देखिए इस तरह का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गया, यहां पर बन गया आपके पास डबल बॉन्ड कार्बन, ऑक्सीजन पे है माइनस चार्ज हाइड्रोजन, और बेंजीन में क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब इस फंक्शनल ग्रुप ने, इस सिस्टम में इस कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस किया, जो सिस्टम में कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस करेंगे दैट फंक्शनल ग्रुप शो माइनस एम इफेक्ट, ठीक है। चलिए दूसरा स्ट्रक्चर हम बनाते हैं इसका, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हो आप, अगर ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया तो पॉजिटिव चार्ज कहां पर आ जाएगा, सीधे ऑर्थो से पैरा पोजिशन पर आ जाएगा। एक बात आप ध्यान से देखिए, जब भी ये फंक्शन ग्रुप पहले वाले भी अटैच थे और ये है, तो ये बेंजीन में रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते समय चार्ज कहां इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। देखिए जो ग्रुप फंक्शन ग्रुप बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं बाहर के साइड, माइनस एम इफेक्ट शोइंग, माइनस बाहर के साइड माइनस एम इफेक्ट शोइंग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, वो बेंजीन में ऑर्थो और पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज देते हैं, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल की क्या हो जाती है, अटैक करने की टेंडेंसी बेंजीन पे कम हो जाती है, इसीलिए इन फंक्शनल ग्रुप को डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहा जाता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, बिकॉज व्हेन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप अटैच ऑन द बेंजीन दे इंट्रोड्यूस अ पॉजिटिव चार्ज इन द बेंजीन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, देयरफॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल डू नॉट गेट अटैक ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन बट इट विल अटैक ऑन नटा पोजिशन। इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट है इलेक्ट्रोफाइल भी, ये साइड भी इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट होगी, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट साइड इलेक्ट्रॉन पे थोड़ी आता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट जो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है
वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड पे ही थोड़ी अटैक करेगा, नहीं करेगा तो ऑर्थो पैरा पर नहीं करेगा, यानी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करने से आपने क्या कर दिया बेटा, डीएक्टिवेट कर दिया। इसे इन ग्रुप को डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहते हैं। और अपोजिट में जो प्लस एम इफेक्ट देने वाले फंक्शन ग्रुप थे बेंजीन में, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या कर रहे हैं, निगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी आने वाला इलेक्ट्रोफाइल आसानी से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक कर सकेगा इजिली, ठीक है, उसका एक्टिव उसका आप कह सकते हो अटैक ये आसान बना देते हैं, बेंजीन को एक्टिवेट कर देते हैं निगेटिव चार्ज देके ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर फॉर द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। देयरफॉर दोस ग्रुप विच गिव्स द प्लस एम इफेक्ट ऑन द बेंजीन रिंग दे आर कॉल्ड एज एक्टिवेटिंग ग्रुप। उन्हें क्या कहते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो देखिए अगला स्ट्रक्चर आपके पास, रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, अगर ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाए, ये पाई बॉन्ड यहां, तो आप देखोगे पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया तो ये निगेटिव चार्ज सॉरी पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया। इज इट क्लियर, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है प्लस सॉरी माइनस एम इफेक्ट, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और ले लें माइनस एम इफेक्ट का, मान लो आपके पास है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच एंड डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन, ये नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप इस सिस्टम से अटैच है, तो इलेक्ट्रो देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट कैसे होगी, डेफिनेट है किस साइड होगी बेटा, मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम के साइड, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन के साइड, तो ये जब पाई इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उन पे, तो ये बॉन्ड टूट के कहां जाएगा, यहां पर जाएगा, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूट के यहां जाएंगे, तो क्या देख रहे हो आप देख रहे हो सी एच टू ये बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये सी एच डबल बॉन्ड एंड बेटा पूरी ऑर्गेनिक जो है वो इस तरह से आपके पास घूमती है, कर्व एरो में इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट शो किया जाता है। तो क्या कहा आपने, नाइट्रो ग्रुप ने इस सिस्टम में पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट सिस्टम से बाहर की तरफ हुआ, फंक्शनल ग्रुप की तरफ हुआ, इसलिए इन्होंने क्या एग्जर्ट किया, माइनस एम इफेक्ट एग्जर्ट किया। अंडरस्टूड, तो आई होप आपको प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट क्लियर समझ में आ गया होगा, कौन से फंक्शन को प्लस एम इफेक्ट एग्जर्ट करते हैं और कौन से माइनस एम इफेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, आपको ये बताना है, अब थोड़ा सा इंडक्टिव इफेक्ट भी हम इसमें ले लेते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट जो पहले वाले वीडियो में पढ़ा है आप उसे जरूर सोल्व करना, ठीक है, उसको सुनना पहले उस वीडियो को, ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले, आपके पास 7-8 में फंक्शन ग्रुप दे रही हूँ, व्हाट यू हैव टू से कि इन दीज फंक्शन ग्रुप विच टाइप ऑफ इंडक्टिव एंड मीजोमेरिक इफेक्ट इज प्रेजेंट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें छिपा हुआ है, ठीक है। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन है, क्या आपके पास विच एम एंड आई इफेक्ट मीजोमेरिक एंड इंडक्टिव इफेक्ट शोन बाय फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है, इन कंपाउंड्स में जो फंक्शन ग्रुप है वो इंडक्टिव इफेक्ट का कौन सा टाइप शो कर रहा है और मीजोमेरिक इफेक्ट का कौन सा टाइप शो कर रहा है, ठीक है। चलिए बेटा तो पहला क्वेश्चन है आपके पास सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच, ठीक है, डबल बॉन्ड सी एच ओ सी एच सी, क्वेश्चन नोट कर लेते हैं हम पहले फिर मैं आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट आएगी भाई इसमें। दूसरा है आपके पास बेंजीन से अटैच है NH2। चलिए तीसरा हम ले लेते हैं बेंजीन से अटैच है OH। फोर्थ हम ले लेते हैं बेंजीन से अटैच है हेलोजन। अच्छा हेलोजन वाला एग्जांपल हमने नहीं देखा, तो हेलोजन वाला जो है क्योंकि हेलोजन पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक बार ध्यान दे दीजिए और पीछे नोट कर लेना,
हैलोजन पर भी लोन पे इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए कैसा इफेक्ट एक्सर्ट करता है वही प्लस एम इफेक्ट एक्सर्ट करता है। ठीक है, तो आप इसे उसमें नोट कर लीजिएगा। आगे है आपके पास बेंजीन, बेंजीन से अटैच है सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री। ठीक है, चलिए पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करें। आपको ये बताना है कि कौन सा ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट का टाइप भी बताना है भाई और एम इफेक्ट का टाइप भी बताना है। ठीक है, और ले ले, चलिए ये आपके पास बेंजीन ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके पास, फिर तीन चार क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, उनका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। ठीक है बेटा, देखिए ये आपके पास फंक्शन ग्रुप है ओ सी एस थ्री, देखकर बता दूंगी आप बेटा। आप ऑक्सीजन से जो शुरू होगा, मैंने आपको बता दिया था ऑक्सीजन से शुरू होगा, ऑक्सीजन पे लोन पे इलेक्ट्रॉन है, वो ग्रुप प्लस एम इफेक्ट एक्सर्ट करेगा। क्या इफेक्ट करेगा? प्लस एम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इसोमेरिक इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट इस तरफ होगा, है ना बेटा। चलिए अब ये ग्रुप कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, ध्यान देना इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा शो करता है, इसके लिए आपको पहले इंडक्टिव इफेक्ट की वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये ग्रुप कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है बेटा? ये बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन और ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है, इसीलिए ऑक्सीजन जो है इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपने तरफ खींचेगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम की साइड जाएंगे इलेक्ट्रॉन, इसीलिए क्या कहेंगे कौन सा इफेक्ट इंट्रोड्यूस होगा? माइनस आई इफेक्ट। इसके लिए इंडक्टिव इफेक्ट की वीडियो देखनी पड़ेगी आपको। जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है उसके साइड सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं, इसलिए वो जो इफेक्ट, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप है लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप होता है वो माइनस आई इफेक्ट देता है, जो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है प्लस आई देता है। तो यहां पर इस ग्रुप ने कौन सा दिया? माइनस आई। बेटा यहां पर कंट्रोवर्सी होगी, यही चीज मैं आपको इन एग्जाम्पल से बताना चाहती थी, यहां पर होगी कंट्रोवर्सी। एक ही ग्रुप दो इफेक्ट दे रहा है प्लस आई और माइनस आई, मतलब प्लस और माइनस दोनों ही भी, अगर दोनों इफेक्ट माइनस में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही है, दोनों प्लस में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट शो कर रहा है, लेकिन एक तो प्लस इफेक्ट और दूसरा माइनस, एक कहता तो ये रिजल्टेंट इफेक्ट क्या होगा इस ग्रुप का, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, इज इट क्लियर? तो देखिए आप, अगर दोनों इफेक्ट अपोजिट है प्लस एम एंड माइनस एम, ठीक है, इस बात को अच्छे से ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इफ वन फंक्शनल ग्रुप शोइंग प्लस एम एंड माइनस आई, तो इसका मतलब ये हुआ, ऐसा नहीं माइनस एम प्लस आई भी हो सकता है, ठीक है, टू अपोजिट इफेक्ट इन सच केस मेसोमेरिक इफेक्ट विल बी डोमिनेटिंग, दिखाई नहीं देगा आपको यहां दिखती है, ऐसे केस में मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट से डोमिनेटिंग होगा, ये कंसेप्ट कहता है, यानी क्योंकि ये ग्रुप दो इफेक्ट शो कर रहा है प्लस एम माइनस आई, तो इस ग्रुप में प्लस एम इफेक्ट माइनस आई से ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, यानी ओवरऑल ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, क्योंकि प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट है माइनस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, इसलिए ओवर ये ग्रुप कौन सा है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। समझ में आ रही बेटा? चलिए इस पे आ जाते हैं हम लोग, NH2। अब आपको पता है, देखकर बताइए, स्ट्रक्चर ड्रॉ सब करने की जरूरत नहीं है, अब आप इतना सब सीख चुके हो कि देखकर आंसर दे सकते हो। ये फंक्शन ग्रुप जो है ये नाइट्रोजन लोन पे इलेक्ट्रॉन वाले एटम से शुरू हुआ है, इसका मतलब ये शो करेगा प्लस एम। अब ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, तो बताइए कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है या नाइट्रोजन? नाइट्रोजन है, यस और नो? तो ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव जो ग्रुप होता है वो कौन सा इफेक्ट शो करता है? माइनस आई। तो ये NH2 ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ये इंडक्टिव इफेक्ट में देख लीजिएगा, जब दोनों इफेक्ट अपोजिट हो जाएं
तो कौन सा इफेक्ट प्रीडोमिनेंट होता है? प्लस एन इफेक्ट, यानी ओवरऑल ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा। सेम ऐसा इसमें भी हो रहा है। OH, OH क्योंकि ऑक्सीजन से शुरू हो रहा है इसलिए प्लस एन, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है सी से इसलिए माइनस आई, तो प्लस एम की क्या है बेटा, प्लस एम क्या है माइनस आई से ज्यादा डोमिनेटिंग है। ऐसा ही एक्स में भी है बेटा, एक्स मतलब हेलोजन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इसलिए प्लस एम, और क्योंकि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए माइनस आई। समझ में आ रहा है यस और नो? देखिए यहाँ पर देख लो आप ये बताइए कौन सा इफेक्ट है, कौन सा इफेक्ट देने वाला ग्रुप है? माइनस एम। अभी थोड़ी देर पहले किया ना हमने, माइनस एम देता है नहीं, हाँ या नहीं? माइनस एम। और कार्बन, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है कार्बन डबल बॉन्ड ओ की, डेफिनेट है कार्बन डबल बॉन्ड ओ की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। कार्बन डबल बॉन्ड की क्या है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साइड ही बना रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ ही बना रहे, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, तो ये कार्बन प्लस पॉजिटिव चार्ज है, ये आपके पास निगेटिव है, यानी कार्बन मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी ये मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, इसका मतलब ये ग्रुप माइनस आई फैक्ट देगी। तो कौन से इफेक्ट है? माइनस एम और माइनस आई, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, तो इन रिजल्ट ये ग्रुप कौन सा हो गया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही हो गया। इज इट क्लियर? दोनों अगर प्लस इफेक्ट देते हैं तो इन रिजल्ट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, दोनों माइनस देते हैं तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, लेकिन अगर एक इफेक्ट प्लस एम और दूसरा माइनस आई है तो मीजोमेरिक इफेक्ट का मैग्नीट्यूड जो है वो माइनस आई इफेक्ट से ज्यादा होता है, इस बात को मत भूलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर OCS3 ऑक्सीजन से शुरू हुआ है, प्लस एम इफेक्ट, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है कार्बन से माइनस आई, प्लस एम जो है वो माइनस आई से क्या है ज्यादा मैग्नीट्यूड में। सिमिलरली यहाँ पर इज इट क्लियर? चलिए ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, मैं आपको दे रही हूँ क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर बताइएगा कौन सा इफेक्ट है। उसके बाद में आपके पास है इन इफेक्ट के आप कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे, सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, ये इफेक्ट कौन सा, ये तो मैंने पहले ही शो कर दिया ना, ओ आर ओ सी एस। ठीक है, ये दोनों ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? प्लस एम माइनस आई, प्लस एम प्लस आई, वॉट एवर, दोनों इफेक्ट आपको लिखकर बताना है। 7th और 8th का आंसर आपको डेफिनेट कमेंट बॉक्स में बताना है, तभी होगा कि आपने वीडियो पूरी सुनी है, क्योंकि इसको करने के लिए आपको इंडक्टिव इफेक्ट की वीडियो भी सुननी पड़ेगी। इज इट क्लियर? तो आज के इस वीडियो में बेटा मैंने बहुत अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की मीजोमेरिक इफेक्ट की, मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, उसके कितने टाइप हैं, यानी हम जो है ऑर्गेनिक में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में इंडक्टिव इफेक्ट कर लिया, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कर लिया, रेजोनेंस इफेक्ट कर लिया, ओके नाउ लेफ्ट विथ ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक है, तो और क्या बचे हैं आप हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के साथ? रिएक्टिव इंटरमीडिएट बचे हैं, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल। बी विथ मी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जीओसी को पढ़ते रहिए, बड़ी इंटरेस्टिंग यूनिट है बेटा। अगर ये क्लियर है तो 50% ऑर्गेनिक प्लस वन की आ गई, और प्लस टू की तो सारी ऑर्गेनिक समझ में आ जाएगी अगर आपकी जीओसी के कंसेप्ट स्ट्रांग है। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।